सो चलते चलते घूमते घूमते हम आ चुके हैं गारो ड्राइव के पास और सिल्क बॉम्ब भी मिल रहे हैं यहाँ पे। बाप रे, कुछ अलग सा ही लग रहा है ना। ओ हो भाई को देखो, खतरनाक कहाँ दिखा रहा एक ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैंने कॉपी पता क्यों पकड़ी है ऐसे, क्योंकि इसमें ना सारी चीजें लिखी हुई है जो जो यहाँ पे होने वाली है। तो ये बेसिकली सारी फंक्शंस जो जो यहाँ पे लिखे हुए ना सारे, ये आज पूरे होने वाले 4 तारीख को। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ का ट्रेडिशनल फूड, नागा ट्रेडिशनल फूड। मतलब कि खाएंगे तो शायद मुश्किल से, क्योंकि यहाँ ना वॉर्म्स खाए जाते हैं। वॉर्म्स मतलब कीड़े भी खाए जाते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म वो मैंने कभी ट्राई नहीं किया, ना कभी खाया ना सोचा कभी। देखेंगे उसको भी और बहुत सारी चीजें और भी देखेंगे क्या क्या होती है यहाँ पे। सारी चीज देख के आपको बताएंगे यहाँ क्या क्या होता है। जो चीज खा पाएंगे वो खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे कोई बात नहीं, पर दिखाएंगे जरूर आप लोगों को, क्योंकि वॉर्म्स तो नहीं खाए तो खा भी नहीं पाएंगे। और लोग वैसे खाते हैं यहाँ पे और फ्राइड होते हैं वो, ट्राई करके देखेंगे, कुछ अलग ही फीलिंग होगी भाई। मॉर्निंग ना अपनी मस्त वाली हुई थी, उठते ही ना बहुत प्यारा सा व्यू था। अभी तक नागालैंड में जब से हम एंटर हुए ना, सबसे प्यारी सीनिक व्यू पे जहाँ पे हमने टेंट लगाया वो यही है यार, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था। सुबह उठते ही चारों तरफ पहाड़, हरियाली हरियाली, खेती भी हो रही है बगल में। और दिगंता भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मजे कर रहे हो? ये भाई भी अपने बगल में टेंट लगा के है बड़ो भाई के साथ, और अपने साथ में और एक भाई भी है, मतलब 3 टेंट लगे हुए अपने। सबसे बड़ा टेंट अपने पास ही है, यू नो रहीस। नहीं, ये दिगंता भाई का टेंट है, हम तो गरीब आदमी है, उनसे टेंट में बस सो पा रहे हैं, हमारे पास वो टेंट भी नहीं है। चलते हैं, कुछ खाया भी नहीं है, खाते भी है। और आज तो वैसे भी नागा फूड फेस्टिवल है, तो फूड एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। ठंडे ठंडे पानी से नहा धो के तैयार हो चुके हैं, निकलने के लिए तैयार है। पहले आपको दिखा दूं नहाए कहाँ पर थे, और वहाँ ना बढ़िया से गाने भी बज रहे हैं, मतलब हिंदी गाने बज रहे हैं यार, वो भी नागालैंड में, अलग ही मजा है भाई। जहाँ हमारा टेंट लगा ना, उसी के जस्ट बगल में वॉशरूम की फैसिलिटी मिल गई थी हमें, और नहाने की फैसिलिटी मिल गई थी अपने को आराम से। अलग ही ऐसे अपनी जिंदगी में, हमको कोई मना नहीं करता है, कहीं पे भी कैसे भी रह लेते हैं, मजे से सब चीजें कर लेते हैं। उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी, मतलब वो भी ये थोड़ा जानते थे हम यूट्यूबर हैं, पर अपने आप काइंड थे वो, बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने अपने आप ही हेल्प करी और सारी चीजें अपने आप ही बता दी, आके मुझसे बातें कर रहे थे। थोड़ा सा अलग नजर आता हूँ बाकी सब में से, इसलिए लोग मेरे पास जल्दी अट्रैक्ट हो गए, जल्दी बातें करने आते हैं। स्माइल करता रहता हूँ इसलिए भी शायद, और सब लोगों से प्यार से मिलता हूँ ना इसलिए भी, तो अच्छा भी लगता है। बहुत सारे लोग बात करने आते हैं, कल रात को भी एक भैया बात करने आए, 2 घंटे पूरी बातें करी हमने, मजा बहुत आया। और इस व्यू के साथ हम उठे थे खतरनाक वाले, ब्यूटीफुल है ना। और दिगंता भाई और मैं तैयार हो चुके निकलने के लिए, तैयार हो? बहुत ही। आज तुम्हें ना मतलब सारी नागा टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं खा सकता ना, इसलिए पूरा टेस्ट करेगा, सब कुछ इसे टेस्ट कराएगा। मैं खा नहीं सकता हूँ, वॉम नहीं खाया ना मैंने, तो ये खा लेता है, इसे खिला के देखेंगे और इससे पूछेंगे कैसा लगता है। ये आ जाने वाला मजा। सो हमारी धुंधरों की टीम निकल चुकी है फिर से आतंक मचाने के लिए, चलते हैं। खतरनाक आतंक बन जाएगा। सो हमें अयोध्या से ही भैया मिले, यूपी से अपने मस्त। भैया देख के खुश हो गया, मैं भी भैया को देख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि अयोध्या से आए हुए और वो भी इतना दूर। मैं सर को फॉलो करता हूँ और सर की वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी इन लोगों ने ग्रुप में एक बाइक के साथ उन्होंने अभी किया था पूरा इधर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो ट्रिप किया, बहुत एक नंबर जबरदस्त। तब से मैं दादा का फैन हूँ और मैं भी आपका फैन हूँ, बहुत डाई हार्ड फैन हूँ। मुझे मैंने ऐसा कुछ नहीं, आप मेरी फैमिली हो, डोंट वरी। मैंने आपको लिखा था कि मैं भी आऊंगा, क्योंकि मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं सोचा था दादा के साथ एक ट्रिप करूंगा। क्या नाम आपका चैनल का? किंग ट्रेवलर। बाइक को भी सपोर्ट करना बिल्कुल, तो हम दादा के साथ एक तो ट्रिप पक्का करेंगे यार, कोई ना कोई कहीं का भी, अगर जहाँ मौका मिल जाए, जहाँ ये परमिशन दे देंगे। चलो एक्सप्लोर करो, मजे करो, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। सो हम लोग चलते चलते 4 से 5 किलोमीटर बाहर आ चुके खाने के लिए, जिस जगह पे हम कल आए थे बढ़िया वाला खाना वहाँ मिल जाता, तो खा के वहाँ से पेट पूजा कर लेके फिर जाएंगे आपको ट्रैवल फूड प्रॉपर दिखाने के लिए और खाने के लिए। और अभी चलते हैं फटाफट, सस्ती वाली और टिकाऊ वाली चीज पहले खा लेते ना, महंगी वाली चीजें तो सिर्फ ट्राई करानी है। दिखाता हो, सुन तो नहीं रहा? नहीं सुन रहा। चलते पैसे बचा लेते। सो यहाँ आ चुका अपना बढ़िया वाला खाना, पापड़, अरे सैलेड, अरे दाल, अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, सारा खाना मस्त है और अनलिमिटेड है। कल भी बताया था, खैर अभी भी बता दे रहा हूँ, फायदा मिलना चाहिए ना, अगर कोई यहाँ से देख रहा हो तो उनको फायदा मिल जाएगा, यहाँ अगर खा लेंगे मेरे तरह उनके भी पैसे बच जाएंगे मेरे तरह। और दिखाते भाई मेरा भी बच रहा है, बहुत पैसा है, गरीब हूँ ना इसलिए। ये वो वाला वो कर रहा है मीम, मैं गरीब हूँ, सबको मालूम है। अरे नहीं है भाई, दिल का अमीर है बहुत, कभी आप मिलके देखना, बहुत ज्यादा रही से दिल का।
तो खाना खा लेते हैं बढ़िया, फिर चलते हैं अंदर घूमने। सो खाना वाना खा के फ्री हो चुके, चलते हैं फटाफट ऊपर और कुछ ट्राई करते हैं, मतलब खाना वाना खा के फ्री हो चुके, अब ट्रेडिशनल खाना ट्राई कराते हैं। कीड़े मकोड़े तो हम लोग तो एंट्री करा के आए, अपना कलर चेंज हो चुका है। दिखाता भाई ना, कल की एंट्री से बच गए, दिखा रहा एंट्री दिखा रहा, ब्लू कलर रोज का कलर चेंज है भाई, लेकिन भाई ने आज पैसे बचा लिए अपने। कितने बचाए? 50 रुपए पार्टी करे आज भाई, ये नागा ऑर्गेनिक चीजें सारी देखने आए हुए हैं, देखते अंदर क्या क्या चीजें मिलती है अपन को। सो अंदर जाने से पहले बता दूं, यहाँ पे सबसे ज्यादा पाइनएप्पल उगते हैं और पाइनएप्पल यहाँ के सबसे ज्यादा मीठे भी होते हैं, और इसके अलावा मेघालय में भी उगते हैं, वहाँ भी बहुत मीठे होते हैं। सो हम फर्स्ट काउंटर पे आ चुके हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे डिफरेंट राइस हैं, ये सारे स्टिकी राइस ज्यादा खाते हैं, तो ये ब्राउन राइस है, ब्लैक राइस है, और ये कौन सा राइस है, मिक्स राइस है, ब्राउन राइस ही है, नॉन स्टिकी, ये थोड़ा रेड पे कलर में, रेडिश कलर में, राइट। सो मैम ने यहाँ पे सॉल लगा रखा, स्टिकी राइस, ओके ओके, सेंटर्ड, मोस्ट इन डिमांड, ओके। वैसे स्टिकी राइस ना पूरे नॉर्थ ईस्ट में खाए जाते हैं, इवन नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में भी खाए जाते हैं ज्यादा। सो इनके पास एक ही ब्राउन राइस नॉर्मल है, बाकी ज्यादातर आप देखोगे सारे राइस स्टिकी है। एंड ये क्या है? These are jobsters. Yeah. मैंने कभी सुना नहीं ऐसा नाम और ना कभी देखा, ये क्या चीज है बेसिकली? अनमिल्ड वन, ओके, एंड दीज आर द मिल्ड वंस, या एंड दिस इज हैंड पाउंडेड वन, ओके। सो बेसिकली ये स्प्राउट्स है या दाल है? दिस इज लाइक So, ये क्या है? This is millet. This is millet. Yeah, different types of millet. Different type of millet. Comes under cereals. Cereals. Yeah. Some are, these two are sticky and the rest is non-sticky one. मैंने तो ये सब कभी भी नहीं देखा, मतलब स्टिकी राइस तो मैंने खाए थे थाईलैंड में, पर ये वाले स्टिकी राइस इतने सारे वैरायटी में तो कभी नहीं देखे। आपने देखे क्या बताना कमेंट करके। तो अपन दूसरे काउंटर पे आ गए और यहाँ पे ना यार मेरे किडनी बीन्स इतनी सारी दिख रही, मतलब अपनी राजमा, बहुत सारे अलग अलग कलर के राजमा दिख रहे हैं। सो ये ना नागालैंड के खुद के ही, मतलब सारे, मतलब किडनी बीन्स अलग अलग दाल है ये। सो क्या चीज है ये? दिस इज राइस बीन, राइस बीन, और ये सारे अलग अलग भी राइस बीन है, वैरायटी है। ओ कितनी वैरायटी भाई, ऐसी तो बीन्स मैंने कभी नहीं देखी, बाप रे। ये भी है राजमा, ये राजमा है, खुला है। इतने वैरायटी में राजमा आते हैं भाई, कश्मीरी राजमा तो मैंने एक देखा है, कुछ इस कलर का होता है, मतलब नागालैंड में इतने सारे राजमा होते हैं, मुझे नहीं पता था यार। राजमा, ये भी राजमा है, और ये दोनों अलग है, बाप रे। ये सारे राजमा है? नो, दिस दिस इज पेरेला, पेरेला, ओके, ब्रॉड लीफ, ओके, और दिस इज सोयाबीन, सोयाबीन, या मतलब ये सारी चीजें यही उगती है नागालैंड में। पता क्या था क्या आपको ये सब? सो हम आ चुके सबसे खतरनाक वाले काउंटर में, मतलब वर्ल्ड की वन ऑफ द फेमस चिलीज में से एक यहाँ चिली है, किंग चिली एंड द नागा चिली। बाप रे भाई, मैंने नहीं सोचा था मुझे ये भी देखने को मिलने वाली है, और भाई भाई टेस्ट करोगे? पक्की बात। सो मैम ने हमें एक चिली दे दी है ट्राई करने के लिए, और भाई अब दिगांता भाई ट्राई करने वाले, मैं इसलिए ट्राई नहीं कर रहा हूँ, सुबह दिक्कत होगी ना इसलिए करना। अगर आपने कुछ ध्यान से नोटिस किया हो तो कर लिया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये खाने की बस ना किसी की भी नहीं है, सबसे खतरनाक चिली है भाई। सो एक बार बता दूं आपको कि जो ऑर्गेनिक चिलीज होती है ना, वैसे तो मटेरियल मिक्स करके तो बहुत सारी चिली मिलती है, लेकिन ऑर्गेनिक चिलीज में ना सबसे ज्यादा चिलीज, मतलब सबसे ज्यादा हॉटेस्ट चिली यहीं पे मिलती है आपकी नागालैंड के अंदर। सो किंग चिली आपको दोनों स्टेट में मिल जाएगी, आसाम में भी, नागालैंड में भी, और कहाँ मिल जाएगी, मतलब नॉर्थ ईस्ट में सारी जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो नागा चिली है ना वो यहीं उगती है। सो ये भी स्पाइसी होती है, पर कंपेयर टू किंग चिली कम होती है। चलते हैं आगे भी और एक्सप्लोर करने। अभी तो आपने नॉर्मली हर जगह देखी होगी, ये यहाँ की लोकल अरबी है, और इसका नाम कुछ है, क्या नाम है इसका, व्हाट इज द नेम? कोला कोशा। सो ये लोकल यहीं उगती है, ऐसी हजारों चीजें हैं यहाँ पे। चलते हैं और आगे और चीजें भी एक्सप्लोर करते हैं। सो भाई इसको चिली खिलाई दी गई थी आखिरकार। ये रही चिली, और इसकी हालत देखो भाई, खतरनाक। पसीना देखो, संतरा मर गया, मर गया, मर गया, मर गया मेरा भाई। नहीं, भाई का वीडियो में मैं थोड़ा सा खा के दिखा रहा हूँ, किंग चिली, खतरनाक। इसको खाते हुए देख के पसीना निकल रहा भाई। सो पूरे नॉर्थ ईस्ट में चाय तो बहुत उगती है, मतलब नागालैंड में भी चाय उगती है, और यहाँ की चाय तो कुछ अलग ही होती है, मैं आपको बताता हूँ। सो तीन तरह की चाय है। सो जो नॉर्मल वाली टी है, नहीं नहीं, ग्रीन टी, ग्रीन टी, यस, सेकंड नॉर्मल टी, नॉर्मल टी, एंड
ब्लैक टी, ब्लैक टी। सो नॉर्मल जो टी है, सो सबसे ज्यादा जो माइल्ड टी है ना, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे पत्ते जैसी। अगर आप देखो ना, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल नेचुरली, इसको ना ज्यादा ग्राइंड नहीं किया हुआ है। सो सेकेंड वाली टी जो है, जो नॉर्मली हर जगह मिलती, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, वो ये रही, आप देख सकते हो। और ये भी मतलब इतनी ज्यादा ग्राइंडेड नहीं है जैसी हमारे पास आती है टाटा वाटा टाइप की। और जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इसको पी के तो नींद ही उड़ जाएगी, वो ये है, ठीक है। और इसमें भी पत्ते हैं, आप देख सकते हो। तो नागालैंड की जितनी भी टीज है ना, उसके अंदर आपको पत्ते बहुत ज्यादा मिलेंगे। वैसे पत्तों वाली टी आपको और भी जगह मिलेंगे, लेकिन इनकी स्पेशलिटी अलग ही है यार। नेचुरल टी, एक सेकंड रुक के बनाना, एक सेकंड बस, एक सेकंड। तो टी आ चुकी है अपने पास, और ये थोड़ा सा देखने में ग्रीन टी जैसी है। हाँ। तो थोड़ा सा ग्रीन टी जैसी है, टेस्ट में भी मस्त है यार। तो दादाजी ने अपन को ना चाय भी गिफ्ट करी है, वो पॉकेट के अंदर रखने के लिए कह रहे हैं। और जब मन करे उसे टेस्ट करो, एक चाय है ना पक्का, कोसबेरी, ये क्या चीज होती है, आंवला है, ओके आंवला गिफ्ट किया। तो हमें एक और काउंटर मिला, बड़ा अलग सा टाइप का, मतलब यहाँ ना मशरूम्स हैं बहुत अलग अलग, जो नागालैंड में उगते हैं, और कुछ अलग ही है यार, दिखाता हूँ आपको अंदर। सो ये सारे ऑयस्टर मशरूम्स हैं, और ये मशरूम का साइज देखो, कुछ अलग है और शेप भी पूरा अलग है। मतलब अपने मशरूम तो छोटा सा होता है, व्हाइट कलर का, नीचे से स्टेम होती है, ऊपर से बड़ा होता है, वैसा कुछ नहीं, गोल गोल भी नहीं, कुछ अलग ही शेप का है ना। और ये देखो मशरूम, मतलब ये सारे अलग है। देखो ये वाला शेप का तो मशरूम मैंने कभी सोचा भी नहीं ऐसा शेप का होता भी होगा यार, देखना कुछ अलग ही है। ये देखो, अरे बाप रे, है ना सही, कुछ डिफरेंट ही है यार, खतरनाक। बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। सो यहाँ में कुछ ऐसी चीज दिखी है जिससे हमें फटाफट भागना पड़ेगा। अगर मम्मी ने देख लेना ये वीडियो, तो फिर तो रेल मच जाएगी, तो फटाफट भाग जाते हैं। मम्मी को नहीं दिखाना चाहिए वीडियो, फटाफट भाग है। तो बहुत सारा आपको दिखा देता हूँ एक बार, तो मम्मी ने देख लिया ना, तो सामान उठा के घूमना पड़ेगा, आधा घर भर दिया वैसे भी इन चीजों से। यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। मेरे दिन खुशी से झूमे गाए रात, है तो बहुत सारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, लेकिन मन ललचा रहा है, फटाफट बाहर निकलना पड़ेगा। पल पल मुझे हम बाहर निकल के आ चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं ट्रेडिशनल फूड देखने के लिए, और जो अभी तक देखा था वो ऑर्गेनिक था सारा। सो चलते चलते घूमते घूमते हम आ चुके हैं गारो ड्राइव के पास, और सिर्फ बॉम्ब भी मिल रहे हैं यहाँ पे। बाप रे, कुछ अलग सा ही लग रहा है ना। ओ हो, भाई को देखो, खतरनाक, कहाँ दिखाना एक। ये क्या बात है, चलो मैं भी ट्राई करेंगे। आप भी ट्राई करोगे? ओहो, दोनों भाई यहाँ ट्राइबल ही है, मतलब ये भाई अपने बोडो ट्राइब से है, और ये भाई अपने अहोम ट्राइब से है। तो यहाँ तो खाया जाता है इनके, मतलब की ट्राइब में, तो ये इनको बहुत टेस्टी भी लगता है, क्योंकि इन्होंने पहले से खा रखा है ना इसलिए। और मैं आपको रीजन भी देता हूँ, दो सेकंड रुक के, क्यों मतलब कैसे ये लोग खाते हैं, और क्यों इन्होंने कब से खाना चालू किया, वो सारी चीजें बता। सो किसी भी चीज को खाने के पीछे ना कोई रीजन होता है, क्योंकि भाई देखो जो ट्राइबल लोग थे ना, वो पहाड़ों के बीच में रहते थे, वहाँ पे ना बहुत कम सोर्सेस होती थी, खेती भी नहीं होती थी उस टाइम पे। सो जो इन लोगों के इंसिस्टर्स थे, जितने भी अपने पूर्वज थे इनके, वो सब लोग जब जंग के लिए जाते थे या बाहर रहते थे काफी टाइम तक, तो उन्हें ना जो वॉर्म्स मिलते थे तो उन्हें खाना पड़ता था, नहीं तो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो उसके पीछे ये रीजन है, नहीं तो ऐसे मतलब आज की डेट में तो आप पूरा नॉर्थ ईस्ट देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, इवन नागालैंड। तो मेघालय के अंदर तो एक सिटी है जो सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट है अमंग द होल एशिया, तो आप सोच सकते हो कितने ज्यादा डेवलप्ड है ये लोग, और कितने ज्यादा एजुकेटेड भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज के पीछे रीजन होता है। और सिल्कॉम जो ये खा भी रहे ना ये लोग, वो सिल्कॉम पहले से ही पूरा मतलब की एज हो चुकी है उसकी, और वो अब सिल्क और नहीं देगा तभी ये खाया जाता है। ऐसे नहीं होता कि वो जो छोटा होता है तब खाया जाता है, और मजबूरी होती है तब ये खाते हैं, मतलब कि जब तो मजबूरी हुई होती थी उस टाइम पे, तो इन्होंने खाना स्टार्ट किया। तो अब इनका रिवाज है, तो वो पुराना अपना रिवाज दिखा रहे हैं। सो ये भी देखना चाहिए, मतलब कि सबका पास्ट है ना, तो वो पास्ट है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबके पीछे रीजन भी होते हैं छोटे छोटे, जैसे लिकर भी पी जाती है यहाँ पर, ये पहाड़ी इलाका है ना, तो गर्मी चाहिए होती है, काफी ठंड होती है, तो इस वजह से लिकर पी जाती है। कई लोग लिकर ज्यादा पी लेते हैं, और फिर उसकी वजह से उसके
नेगेटिव जोन भी ले लेते हैं, तो ज्यादा भी नहीं पीनी चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं लेकर पीने के लिए, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप मत पीने लग जाना भाई। तो अब मुझे तो जरूरत नहीं है, मैंने तो लेकर पी नहीं, एडजस्ट नहीं हो पाया, मैं तो लेकर पीता नहीं हूँ। मैंने लेकर पीनी क्योंकि मैं आगरा वाले जोन में रहता हूँ ना, वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, वहाँ लेकर पियोगे तो आपको वैसी गर्मी में हालत खराब हो जाएगी, तो इसलिए पीने की जरूरत भी नहीं है। अब बाकी यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज्यादा, तो उसके लिए तो इन्हें जरूरत पड़ेगी ना गर्मी के लिए। ऐसी सिडनी में भी पी जाती है, ऐसे बहुत कंट्रीज में पी जाती है, अलग जगहों का अलग अलग रिवाज है, बस और कुछ नहीं। बाकी आप लोग मत पीना, और मम्मी ने वीडियो देख लेना, मैं ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ तो बहुत डांटेंगी। भाई ने कीड़ा खा लिया, उसे कीड़ा मत समझो, हम लोग का भाई पहले से, मतलब पहले से खा रहे हैं, आज से नहीं खा रहे हैं, मतलब बहुत टाइम पहले से खा रहे हैं हम लोग का, ऐसे पहले से सब खाया हुआ है। और वैसे बाकी चीजें भी बहुत खाते हैं, मतलब चिकन भी खाते हैं, सारी चीज अब मतलब नॉर्मली खाते हैं, ऐसा कुछ, बस ये इनके पुराने कल्चर से है ना, तो ट्राई करने में इनको अपना पुराना चीजें याद रहनी चाहिए ना, इसलिए। जैसे हमारे यहाँ साग, मक्के का साग, सरसों की रोटी, वाह वाह कितना बढ़िया लगता रहा वो। सो भाई बोडो ट्राइब से है, भाई भी कुछ बताना चाह रहे हैं, बताना भाई क्या कह रहे थे। मैं कह रहा था जैसे लोग है ना, जैसे ये कीड़ा जो देख रहे हैं ये सिर्फ खाने के लिए नहीं होता है, मतलब इससे हम लोग जैसे हमारे बोडो उसमें ट्राइब में तो हम लोग इसको पालते हैं इसलिए, क्योंकि उसमें से रुई जो निकलते हैं, सिल्क की जो रुई निकलते हैं उससे कपड़े बनाते हैं, तो वो घर पे ना वेविंग मशीन होता है ना, एक देखा होगा आपने ट्रेडिशनल वेविंग मशीन, तो उसमें कपड़े बनाते हैं, तो कपड़े बनाने के बाद जब वो चीज मतलब वो वेस्ट हो जाता है तो उसको खा भी लेते हैं उस चीज को ना, कीड़े को, ताकि उसमें पहले क्या होते थे क्योंकि खाना पीना वैसे क्या नाम है खेती वगैरह में ऐसा नहीं होते थे, तो उस वजह से उसको खा देते, और प्लस इससे मेन मोटिव इसका है कि कपड़े बनाने का। तो ये दोस्तों मैंने नहीं सोचा था नागालैंड से भी हमें लोग देख रहे होंगे, भाई नागालैंड से वीडियो देख रहे हैं भाई, वाह खतरनाक। कुछ बोलोगे? ये फॉलोवर है, बोलो फैमिली है, फॉलोवर नहीं है। नहीं नहीं, बोलो भैया मैं आपको यूट्यूब में फॉलो करता था, आज मैं हॉर्नबिल में एक्सपेक्ट करके आया था कि आपको मिलूंगा, बट आई रियली आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ जी आप बोल जाओगे, कैमरा कॉन्शियस हो गए, अभी तक बहुत बातें कर रहे थे, ये बोलने चक्कर में नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने का चक्कर नहीं। मैं दिल्ली, दिल्ली ओ मैं भी दिल्ली से, उत्तम नगर, मैं द्वारका, चलते मेरा बिजनेस ठीक है। अच्छा इतनी रहने दो, चलते हैं आगे भी घूमते। सो हमने टी ब्रेक ले लिया है, चाय पीते हैं मस्त बैठ के, थोड़ी सी बॉनफायर वाली लोकेशन पे आ चुके हैं, तो यहाँ आ चुकी अपनी चाय, ओह थैंक यू। काफी लेट कर दी उन्होंने चाय देने, मतलब एक घंटा करीब हो गया, पर सबर का फल मीठा होता है ना, तो वैसी चाय मीठी है अपनी। तो दोस्तों रात काफी हो चुकी है, मतलब ज्यादा तो रात नहीं हुई, लेकिन आज 6 बजे, आज मैंने टाइम से जल्दी सो जाते हैं, वीडियो भी काफी अच्छा सा बन गया है। कमेंट करके बताना आपको वीडियो के अंदर क्या पसंद आया, और आपको कैसा लगा, मतलब जान के एक्सप्लोर करके यहाँ के अलग अलग चीजें, मतलब फार्मिंग में जो चीजें उगती है, चाय पत्ती और ये सब जो भी चीज, और वॉर्म के बारे में भी बताना आपको कैसा लगा, जो भाई ने वॉर्म खाया या कुछ अजीब सा भी लगा तो कोई बात नहीं, बता रहा मैं देखूंगा सारे कमेंट। तो मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप आराम करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और वीडियो को यार सब्सक्राइब कर दो, बस थोड़े से लोग सब्सक्राइब करे, बगैर भी देख रहे हैं बुरा लगता है, कर दो सब्सक्राइब कर दो, और मजा आया होगा आई होप। मिलते हैं कल सुबह, बाय बाय, टेक केयर, लाइक भी कर देना वीडियो को, बाय बाय।